अस्सलाम वालेकुम फरीके जहां में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इतने दिनों से हमारा कोई व्लॉग नहीं आ रहा ना, मैंने सोचा आज मैं ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर लूँ। मेरी मम्मा के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, बिजी हैं वो आजकल, बहुत बीमार भी हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। हाँ भाई, सिस्टर आप क्या बना रही हैं? ये अपनी ऑरेंज जूती पहन के कपड़े तो आपके बड़े अच्छे लग रहे हैं। काटी जीरो बनाए इस पे। काटी जीरो? जी जी, वो ही ना जो हम बचपन में खेलते थे। चले आज मैं आप लोगों के साथ व्लॉगिंग का पूरा रूटीन आज शेयर करती हूँ। आज मम्मा मेरी फेवरेट डिश बना रही हैं, जो है मसूर का पुलाव, बिरयानी सॉरी। तो जैसे जैसे ये बनती रहेगी मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे मेरी सिस्टर प्याज चिकन वॉश कर रही है। किस चीज़ के लिए? प्याज लाल मसाले के लिए, चिकन चीज़ पराठे के लिए। और इसके अंदर क्या है? ये तो खाली है। चिकन चीज़ पराठा और क्या है? आज असल में मैं अभी थोड़ा लेट सोकर रुकी हूँ ना, मैं सुबह 9 बजे सोई थी, तो हमारे घर में सफाई नहीं हुई है। और यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ना, ये जो बैठी है इधर देखो, यही है वो जिमाल। जिमाल फिदर आ गई जिमल की, ये ली फिदर आ गई जिमल की। ये जिमल बहुत रोती है। जिमल चलें आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा भी करवा देते हैं। ये उड़ गए। ये मम्मा ने आज शायद बच्चों के कपड़े वॉश किए थे जो अभी तक यहाँ रखे हैं सुखाने के लिए। मैंने ये बेडशीट सभी चेंज करनी है, इधर अपने बेड की भी करूँगी और इधर मम्मा की बेड की भी करूँगी। तो फिर जी मम्मा और आयत का बेड है ये मैं बेडशीट चेंज करके, बेडशीट चेंज करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। बेडशीट्स वगैरह मैंने सब चेंज कर दी हैं, सफाई हो गई है पूरे घर की। और ये आप लोगों को ये सामने नज़र आ रहा होगा, ये घर में काम अभी चल रहा है, घर में पेंट होना है, इस वजह से ये सब ऐसा दिख रहा है। और यहाँ भी सफाई हो गई, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ भी हो गई, कॉमन भी क्लियर कर दिया। यहाँ पे मम्मा बहुत सारा धनिया लाई थी, क्योंकि हम लोगों को धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है और सिस्टर भी अपने खानों में लगाती हैं, सॉरी डालती हैं। तो ये वो बहुत गीला हो रहा था, तो मम्मा ने यहाँ पे दस्तरखान पे फैला के ना सुखाने के लिए रख दिया। ठीक है ना, मैं सोच रही हूँ पूरे गार्डन में प्लांट ला के लगा। अब तुम तो अपने घर चली जाओ। सन का वो सामने कितना अच्छा लग रहा है ना, सनराइज। हाँ वही सनराइज, सन का वो सनराइज। ये सामने वालों ने भी आज तो कपड़े धोए हैं। ये जो सामने है ना, यानी खिड़की आप लोगों को नज़र आ रही है, यहाँ हमारी एक आंटी रहती हैं, नौरीन आंटी। कपड़े सुखाओ, रस्सी दूसरी एक बांध लो। चलो खड़े खड़े क्या करने, कपड़े सुखा लो। चलो सुखाओ। आज मैं वाइड एंगल में पूरी वीडियो बनाऊंगी, सब क्लियर नजर आएगा। क्लियर क्या नजर आएगा? पजामे सूखते हुए, मतलब आपका थोड़ा सा फेस आ गया है, मैं वो कट कर दूंगी। चलें मैं बाकी सारा सामान
मम्मा के साथ दिखाऊं कि अभी मम्मा ने किचन में कितना कर लिया है। वाह मम्मा आपने तो आज मेरा फेवरेट डिश बना दी, थैंक यू। वेलकम बेटा। आलू डाले ना? हाँ डाले हैं। और स्पाइसी बनाइए कि बस फीकी सी बना दी? और आप क्या खाएंगी? आपके लिए तो स्पाइसी बिल्कुल खतरनाक है। आजकल मम्मा के बहुत मैदे में दर्द हो रहा है और वो मिर्चें बहुत खा रही हैं इस वजह से। और ये चिकन पे किस लिए मसाला लगाया है मम्मा? ये रोल बना रहे। और ये राइस भी है, ये मम्मा दम पे ऊपर डालेंगी धनिया हरी मिर्च और लेमन। चले बर्तन भी हो गए वॉश, बच्चों की फीडर्स भी हो गई हैं। बस ये है कढ़ाई, अभी मैं मम्मा क्लियर करेंगी यहाँ से सब कुछ, ये वॉश कर दूंगी। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना घर की पूरी, जब से मैं उठी हूँ रात तक की पूरी रूटीन आज मैं ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मम्मा की आज थोड़ी हिम्मत नहीं है, बस वो खाना बना लें तो उनको मैं कोई काम करने आज नहीं दे रहे, बस खाना उनके हाथ का हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये है कि खाना बना तो सब लेते हैं, सिस्टर भी बहुत अच्छा माशाल्लाह सब बनाती हैं, मैं भी बना लेती हूँ, लेकिन मुझसे ना पता नहीं क्यों चावल दब जाते हैं। तायरी जो होती है वो येलो वाले चावल, क्या कहते हैं उसको अम्मा? त्यारी। वो बिल्कुल सही बन जाती है मुझसे, बस ये बाकी का जो सामान है ना, मतलब सॉरी खाना बाकी का जो ये राइस वगैरह होते हैं, बिरयानी हो गई, पुलाव हो गया, ये मुझसे पता नहीं क्यों दब जाते हैं, समझ नहीं आता। पानी कम डालो। कितना प्यारा लग रहा है ना ये वैसे। पानी कम डालो तो थोड़ा सा मैं इसको सर्दे का रंग डाल दूँ। सर्दे का रंग भी तो डालें, थोड़ा लशपश लगे उससे। चले मैं देख कर आऊँगी, फ्रिज भी वॉश करने वाला हो रहा है, मैं जाने से पहले ये भी वॉश करके जाऊंगी। अब आप लोगों के लिए आगे आगे एक सरप्राइज भी आ रहा है, मैं कहाँ जाने वाली हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कितने टाइम के लिए जा रही हूँ। है मम्मा कितने टाइम के लिए जा रही हूँ? मैं तो ये कहूँगी हमेशा के लिए जाओ। मम्मा मुझसे बहुत बेजार हो गई, तो बस यही कुछ दिनों में आज लोगों के आज ये काम कर रही हैं, उठ गई हैं, मेरी तबीयत सही नहीं थी वरना तो ये सो के ही 4 बजे उठती हैं। जी बस क्या कह रहे, सोती भी तो मैं सुबह नमाज के बाद हूँ, फजर पढ़ के फिर थोड़ा इधर उधर पूरे घर में जिनों की तरह घूमती रहती हूँ, दिखाती रहती हूँ बाहर का। यहाँ भी दाल बॉयल हो रही है क्यों? मेरे भैया के लिए दाल बॉयल हो रही है, वो दाल तो वो मतलब थोड़े राइस वगैरह वो कम खाते हैं, उनको खाने में रोटी ज़्यादा चाहिए होती है। चलें आप ये कर लें, फिर जब दम वगैरह आ जाएगा तो फिर मैं आप सब दिखाऊंगी। खाना तो मैंने खा ही लिया है आधा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि मसूर का पुलाव बहुत मज़े का मम्मा ने बनाया था। बहुत मज़े की बनी है माशाल्लाह, पर मेरे होंठ ना थोड़े से फट गए ना सर्दियों की वजह से, तो मुझे बहुत जलन मची है उस पर। निदा ना प्लेट नहीं लाई है, निदा ट्रे लेकर आई है। और मम्मा वहाँ बैठी है सामने, तो मम्मा अपना पानदान लेके पान की पिटारी, क्या कहते हैं पानदान बोलो, वैसे वो पहले जमाने में लोग क्या कहते थे पिटारी, वो लेके बैठ गई हैं। ऐसा लग रहा है आज हम लोग गांव में बैठे हैं बकरियों की आवाजों से। अच्छी बात, मेरा वैसे ही नहीं इतने दिनों से वो
जो ऐसी जगह जाने का दिल हो रहा है, गांव जहाँ पे बहुत ज्यादा हरियाली हो, चले हैदराबाद की तरफ कहीं। मैंने अपनी एक वीडियो में नीचे का दिखाया था ना कि दरख्त लगे हुए इधर, अभी एक दरख्त लगा हुआ उनके घर, दो तीन लगे हुए पौधे अभी एक भी बेगिया आ रही मैंने दिखाया वाली वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी, नहीं की क्यों? हाँ, नहीं उनकी अच्छा नहीं लगता ना किसी की प्राइवेसी होती है, आप वीडियो बना रही थी सलाम किया था उन्होंने, बट शी इज नॉट फीलिंग ना कम्फर्टिंग, सही बोली अल्हम्दुलिल्लाह काटना मत ये क्यों काटूंगी, मैंने गलत थोड़ी बोला है कुछ, वो कम्फर्टेबल थी ही नहीं, नहीं नहीं बार बार उसके बारे में बताओ जी जी आई एम श्योर कि इंग्लिश मेरी बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह, माँ ने बड़ी मेहनत से सेंट पैट्रिक में पढ़े हैं, ऐसे ही नहीं पढ़े करके बेटा पढ़ाया सेंट पैट्रिक के बाद तो आलू देना, ये होते हैं भूखे लोग, मैं छोड़ो ले रही हूं, छोड़ो मेरी प्लेट खाली हो गई है, सिलाई है कि तुम लोगों, तुम मेरा चाल ले काली मटन ले लो, ले लो ये लो दे दिया, ये लॉन्ग मैं नहीं खाती, नहीं अब तुम ले लो टमाटर के साथ मिक्स कर लेना, भत्ता भी नहीं करो अपनी प्लेट का भी कचरा है आने दो साइड पे रख दो, सूसु भी कर रहे हैं हम, ऐसे ही सूसु भेज दो मैं खा ली ये हमारे घर जो ये मेरी सिस्टर है ना मोटो ये बस थोड़ी सी है ऐसी, थोड़ी सी क्या पूरी हूँ बता, ये मुनीर क्या देखे गए, वो मेरे रूम के ना पंखे हैं, बारिश में ना पानी भर गया था, तो कब जाओगे अपने घर, मैं तुम्हें बेच के मैंने तो यही डेरा डालना, मैंने क्यों जाना अपने घर, अल्लाह माफ करे, देखिए मैंने कितना अच्छी सफाई की ना, बस ये हमारा बस जल्दी से ही कलर स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, ये 5 बजे उठ के ना सिर्फ एक बेड झाड़ के झाड़ू मार ली सफाई की, तो असल में ना यहाँ पे ना ये बिल्डिंग ना थोड़ी पुरानी हो गई है, इसके ना वो क्या कहते हैं रेती वो बाहर आ रही थी, कट गई मम्मा ये सारी जी, धनिया भी मम्मा ने सारा साफ कर दिया है, ये धनिया ही है ना, ये धनिया है, और ये सिस्टर के जो वो है होम शेफ का किचन जो है फायर हाउस के नाम से है फूड पांडा पे, ये उसके लिए वेजिटेबल मम्मा ने सारी कट कर दी है, उसको काट के देती उसकी छोटी बच्ची, मैं लेट के घर जाऊं, नहीं बेटा जिमल, जिमल बेबी, जिमल बेबी, जिमल बेबी, जिमल बेबी, काला का बेटा कौन है, जिमल जिमल, काला का बेटा कौन है, जिमल जिमल, आपकी वीडियो भी बनाओ, आयत भी सब्जी कर, वाओ भाई माशाल्लाह मेरी बेटी बड़ी हो गई है, हेलो ब्लूच नाइफ, नहीं ब्लू नाइफ, ब्लू नाइफ बोल रही है मेरी बेटी, ब्लू नाइफ, नानो के साथ सब्जी, और आप क्या कर रही हैं, मुझे छुरी नहीं दे रहे, कौन नहीं दे रहा इसको छुरी, इसको छुरी इसको तो कौन नहीं दे रहा, गला काट देंगे हम, मुझे दो, ये लो आप क्या काटोगी, गाजर, गाजर 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 क्या होता है पहले ये बताओ, गाजर ही होता है, ये सारा ना वो है कचरा, ये ब्लैंकेट जिमल का नीचे क्यों बिछाया है, ये नाना है, ये नाना है, अल्लाह अल्लाह करो बदतमीजो ये क्या कर रही है, ब्लैंकेट पे टेडी बियर बना है, बोल रही नाना है, नाना है क्या, वो नाना कहाँ है आपके, आपके नाना फूल में। फूलों में, वो स्टार में ऊपर, नहीं वो फूल डाले में, उनके ऊपर फूल डाले में, मुझे ऊपर चला जाता ना फिर वो सितारा बन जाता, सितारा नहीं स्टार बन जाता है, इंडिया के ड्रामे देख देख के ना सितारा बन जाता है, चलो आओ बाहर जल्दी की ये लाइट्स, अभी आग जल गई थी, आज तो ऐसा लग रहा है हॉल में शादी है, मैं
सारे कपड़े सुखा दिए थे। ये वॉशरूम का गेट भी खुला हुआ, इसको भी बंद कर दो। चिप्स खिला दो, थोड़े से चिप्स खिला दो, चोली जी खिला दो, चोला जी खिला दो। ई तीत आ गया, तीत आ गया। अपना तीत दिखाओ, हमें तीत दिखाओ, तीत दिखाओ। ई दिख क्यों नहीं रहा, नहीं दिख रहा। तीत दिखाओ, अब नहीं दिख रहा, अब दिखाओ ऊपर। ठीक है, आ दिख गया, दिख गया। मारो जल्दी से, चुई। मम्मा बात क्या कर रही है? मैं गैस चली जाएगी जल्दी, दूध बॉयल हो रहा है क्या? यार ये नीचे से तो उठा लो, क्यों गंदा कर रहे हो? ये लो। और आप यहाँ क्यों बैठी हो? नानू चाय बना रही है क्या? ये क्या है? और ये दूध बॉयल हो रहा है। मम्मा मैंने अभी पूरा किचन समेटा था, आप जब किचन में आती हो ना तो किचन का हाल ऐसा हो जाता है जब मेरी मम्मा किचन में आती है, वरना बिल्कुल क्लियर होता है किचन। अभी बनाएंगे तो फैलेगा ना, तो भाई इतना थोड़ी फैले कि बंदा बार बार ठंड में हाथ डालने का डर लगता है पानी में। मम्मा मम्मा मुझे मीठा खाना है, कुछ रबड़ी टाइप हो, कुछ तिल के लड्डू हो, कुछ फली हो। दूध दूध आ रहा है, कैसे जा रहा है? इनका नाम है मिट्ठू बेटा। मिट्ठू मिट्ठू तोते मिट्ठू बेटम। या मैं ये स्पेगेटी बॉयल कर करने के लिए पानी यहाँ मैंने रख दिया है, और है ना यहाँ मैंने तवा भी रख दिया, क्योंकि हमारे ना 9:30 बजे तक गैस चली जाती है, तो मैं रोटियाँ भी डाल लूँगी। तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरी रोटी गोल बनती भी है कि नहीं। चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। बना ली, ज़्यादा बनाई नहीं, बस मुझे ऐसी रोटियाँ बनाने आती हैं। मैंने 4 रोटियाँ बनाई हैं, क्योंकि बाकी मम्मा ने मसूर की बिरयानी या पुलाव जो भी कह लें वो बनाया है, तो 4 रोटियाँ बहुत हैं, क्योंकि हम तो चावल ही खाएंगे। और मुनीर भाई के लिए मम्मा ने ये रोटियाँ बनाई हैं और रखने लगी। यहाँ पे ये है रोतू बेबी, लोतू बेबी। इनको भूख लगी थी, इन्होंने अपना दूध पी लिया है, अब इनको आ रही है नीनू। अब ये सोएंगी और इनका देखें, इन लोगों का यही तमाशा होता है रोजाना। ये चेयर से अपनी ट्रेन बना लेती हैं। ये ना मम्मा, ये हमारे मिट्ठू मिट्ठू तोते हैं। कितने हैं इसमें? नहीं, 5 है। 1 ए ये वाला देखें कैसा सो रहा है, इसको निन्नू आई है। 2 येलो हैं, 2 ब्लू हैं और 1 ग्रीन है। कैसे कौन सो रहा है? ये वाला, बस सोने दो, सो रहे हैं, रात हो गई, उनको ठंड लगती है। और ये शीशा भी कितना गंदा हो रहा है, ये भी साफ करना है सारा। चलें बस, अब मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आज सुबह से मैंने अपनी सारी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आप लोगों को ये ब्लर क्यों हो गया? आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग बनाना? अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग बनाना अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
और प्लीज़ इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। बहुत व्यूज़ की प्रॉब्लम हो रही है, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को पूरा वॉच किया करें, पूरा एंड तक देखा करें, लाजमी देखा करें, ताकि हम भी जो इतनी मेहनत करते हैं एडिटिंग में इतना टाइम लगता है, आप लोगों के लिए ब्लॉग्स बनाते हैं, तो हमें भी उसका कुछ ना कुछ क्या कहते हैं उसको फल मिले जो मैं इतनी मेहनत करती हूँ एडिटिंग में। 3-4 घंटे गर्दन मेरी दुख जाती है, आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाती हूँ। चलें फिर, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग बनाना अच्छा लगा तो मैं इसी तरीके से कंटिन्यू रखूँ या नहीं रखूँ मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट्स में। तो मैं व्लॉग का एंड यहीं करती हूँ इनकी शरारतों के साथ। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।